का आगाज एक बड़ी खबर के साथ करेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता दें, चंडीगढ़ में आज हरियाणा कैबिनेट की एक बड़ी बैठक होने वाली है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। शाम 4 बजे से ये बैठक शुरू होगी। हरियाणा सचिवालय में ये बैठक होनी है। आज नई एक्साइज पॉलिसी पर भी मोहर लगने की संभावना है। और इसके अलावा और भी कई अहम मुद्दे होंगे जिन पर विस्तार से मंथन किया जाएगा। कल भी हरियाणा कैबिनेट की बैठक होगी। 2 दिन तक ये बैठक चलने वाली है, आज और कल। आज ये बैठक शुरू होगी शाम 4 बजे और कल भी कैबिनेट की बैठक होगी। नई आबकारी नीति पर मोहर लगने की संभावना है। नई आबकारी नीति जो है वो बनाई जा चुकी है। नई एक्साइज पॉलिसी पर आज मोहर लगने की संभावना। कई अहम मुद्दों पर भी विस्तार से मंथन होगा। कल भी हरियाणा कैबिनेट की मीटिंग है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हरियाणा की ये महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक। मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। डिप्टी सीएम समेत तमाम कैबिनेट के जो मंत्री हैं वो इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। और कई ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिन पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। और सबसे बड़ा जो एजेंडा, सबसे महत्वपूर्ण जो बात इस कैबिनेट की बैठक में रहने वाली है वो है नई एक्साइज पॉलिसी। आपको बता दें, पिछले साल जो एक्साइज पॉलिसी बनाई गई थी उसको काफी सफल बताया जा रहा है। उससे राजस्व भी बढ़ाने में कामयाबी मिली है प्रदेश सरकार को। और इस बार भी ऐसी ही एक्साइज पॉलिसी लागू की जा सकती है। उसी पर आज मंथन होगा इस कैबिनेट की बैठक में। एक कमेटी बनाई गई थी सरकार की तरफ से। कमेटी अपनी रिपोर्ट सीएमओ को सौंप चुकी है और आज कैबिनेट में उस पॉलिसी पर मंथन किया जाएगा और उस पर आज मोहर भी लग सकती है। इसके अलावा और भी ऐसे कई महत्वपूर्ण मुद्दे जो कैबिनेट की बैठक में रखे जाएंगे। कैबिनेट की बैठक में कई एजेंडों पर चर्चा की जाएगी। ऐसे कई महत्वपूर्ण मुद्दे जिन पर चर्चा की जाएगी। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रवि कालीरमन हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। और रवि, क्या कुछ ज्यादा जानकारी है? आज कैबिनेट की बैठक होने वाली है शाम 4 बजे। बिल्कुल हितेंद्र, देखिए कैबिनेट की अहम बैठक आज शाम 4 बजे होने वाली है। हरियाणा सचिवालय की 4थी मंजिल पर यह बैठक जो है वो बुलाई गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। तमाम मंत्री जो इस बैठक में शामिल रहने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं हरियाणा की विकास की गति को कैसे और बढ़ाया जाए उसको लेकर इस बैठक में चिंतन होगा, मंथन होगा और कहीं ना कहीं अनेक महत्वपूर्ण फैसलों पर आज इस बैठक में मोहर लगने वाली है। सबसे बड़ी बात की जाए तो एक्साइज पॉलिसी, नई आबकारी नीति को लेकर इस बैठक में जो है कहीं ना कहीं मोहर लग सकती है। इसके साथ साथ एससी आयोग की जो रिपोर्ट है वो मुख्यमंत्री को सौंप दी गई है, तो उसको लेकर भी इस बैठक में जो है चर्चा हो सकती है। और कहीं ना कहीं ये एससी आयोग की रिपोर्ट पर भी कहीं ना कहीं आज मोहर जो है लगने का काम इस बैठक के दौरान हो सकता है। तो इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो अनेक ऐसे एजेंडे हैं हितेंद्र जो इस बैठक में शामिल किए गए हैं। देखने वाली बात यह होगी कि कौन कौन से ऐसे मुख्य तौर पर एजेंडे हैं जिनको बैठक में शामिल किया गया है, कौन से ऐसे एजेंडे हैं जिन पर अंतिम मोहर जो आज इस बैठक के दौरान लगेगी और कैसे प्रदेश के विकास को सुनिश्चित किया जाएगा, देखने वाली बात यह होगी। करीब 12 से 15 एजेंडे आज की इस बैठक में बताए जा रहे हैं कि 1.5 दर्जन के आसपास जो है एजेंडे इसमें बैठक में शामिल हो सकते हैं। कुछ एक एजेंडे बाद में भी टेबल जो है वो किए जा सकते हैं। फिलहाल की अगर बात की जाए तो नई एक्साइज पॉलिसी को लेकर और ऐसी आयोग की जो रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी गई है उसको लेकर इस बैठक में काफी गहन जो है वो चिंतन होने वाला है। और कहीं ना कहीं एक्साइज पॉलिसी, नई आबकारी जो नीति है उसको लेकर कहीं ना कहीं इस बैठक में अंतिम मोहर आज लग सकती है। इसके साथ साथ लगातार प्रयास हरियाणा सरकार का यही है कि तमाम जो योजनाएं हैं वो निचले स्तर तक पहुंचाई जाएं, तमाम ऐसी योजनाओं को लॉन्च किया जाए जिससे आम लोगों को डायरेक्ट जो है वो फायदा हो। तो कहीं ना कहीं उन तमाम एजेंडों को लेकर आज की ये कैबिनेट बैठक जो है वो बुलाई गई है। कल भी इसी प्रकार की एक बैठक रहने वाली है हितेंद्र। कल कैबिनेट की दूसरी जो बैठक है वो बुलाई गई है। कहीं ना कहीं एजेंडे ज्यादा जो इस बार हैं वो रहने के आसार नजर आ रहे थे, इसलिए 2 कैबिनेट बैठक जो बुलाई गई है। एक आज शाम 4 बजे जो है वो शुरू होगी हरियाणा सचिवालय में, मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में बैठक शुरू होगी। दूसरी कैबिनेट की बैठक कल शाम 4 बजे हरियाणा सचिवालय में ही होगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में भी ये बैठक होगी और कहीं ना कहीं हरियाणा के विकास को सुनिश्चित किया जाए इसको लेकर तमाम एजेंडे इस बैठक में शामिल किए जाने हैं। जी रवि, इस बारे में क्या कुछ ज्यादा जानकारी है? क्योंकि अगर बात 2022 और 2023 की
आबकारी नीति की बात करें तो उसमें बताया जा रहा है कि काफ़ी रेवेन्यू प्राप्त करने में सफलता हासिल की है सरकार ने, तो उससे कितनी अलग हो सकती है इस बार की जो नई एक्साइज पॉलिसी जिसकी बात की जा रही है? बिल्कुल हितेंद्र, देखिए नई एक्साइज पॉलिसी काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि देखिए अगर पिछली एक्साइज पॉलिसियों की अगर बात की जाए, पिछली एक्साइज पॉलिसी की बात की जाए तो इस साल का टेनओवर करीब 10,000 करोड़ के आसपास का जो है एक्साइज का बताया जा रहा है, और इस बार भी ये आंकड़ा और बढ़े इसको लेकर हरियाणा सरकार प्रयासरत है, और कहीं ना कहीं उसको देखते हुए नई एक्साइज पॉलिसी जो है वो ड्राफ्ट जो है वो की गई है। आज नई एक्साइज पॉलिसी जो है वो टेबल हो सकती है, उस पर अंतिम मोहर लग सकती है। कहीं प्रदेश में कहीं ना कहीं जो एक्साइज रिवेन्यू है उसको और कैसे बढ़ाया जाए उसको लेकर सुनिश्चित करना होगा, और लगातार उसको लेकर हरियाणा सरकार प्रयासरत रही है, जिसकी बदौलत जब पिछले एक्साइज पॉलिसी की अगर बात की जाए तो एक बड़ा रिवेन्यू जो है हरियाणा सरकार को मिला है। तो इस बार भी इस प्रकार की पॉलिसी जो है वो अडॉप्ट की जाएगी, और कहीं ना कहीं हरियाणा का जो रेवेन्यू है, एक्साइज रेवेन्यू है, उसको और लगातार बढ़ाने का प्रयास हरियाणा सरकार का रहने वाला है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो एक महत्वपूर्ण कैबिनेट की बैठक आज बुलाई गई है और इसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की जाएगी, जिसमें से एक खास बात यह भी है कि जो नई एक्साइज पॉलिसी लागू की जानी है उसको लेकर के भी आज इसमें कैबिनेट की बैठक में चर्चा की जाएगी, और एक्साइज पॉलिसी पर आज मोहर लगने की पूरी संभावना है।